नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। किसानों को अक्सर दुकानदारों के हाथों बलि का बकरा बनना पड़ता है। उत्पाद की कीमत तय नहीं होने के कारण कई दुकानदार औने पौने दाम में किसानों को सामान बेचते हैं। वहीं किसान भी मजबूरी में महंगे दामों में सामान खरीदने पर मजबूर होते हैं। हालांकि अब बिहार में किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने यूरिया की कीमत सार्वजनिक रूप से तय कर दी है, जिसके तहत अब बिहार में यूरिया 266 रुपए में 45 किलो प्रति बोरी मिलेगा। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए दाम के अलावा अगर किसी भी दुकानदार ने किसानों से एक रुपया भी ज्यादा लिया तो कार्रवाई होगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से किसानों के लिए कृषि निदेशालय का फोन नंबर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई भी दुकानदार आपसे यूरिया की कीमत तय दाम से ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो आप 0612-22-33555 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसको लेकर विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि शिकायत आने के तुरंत बाद ऐसे उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही विभाग ने किसानों को यह भी छूट दी है कि बाजार में हो रहे कालाबाजारी के खिलाफ किसान अब जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से भी शिकायत लगा सकते हैं, जिसके तहत अब कोई भी दुकानदार बिहार के किसी भी जिले में यूरिया की बोरी को 360 या 400 रुपए कीमत में नहीं बेच सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो आज के समय में किसान समाज का महत्वपूर्ण तबका है। ऐसे में किसानों को बेवकूफ बनाने वालों की सूची भी लंबी है। यही कारण है कि बिहार के किसानों को तय मूल्य पर खाद मिले, इसको लेकर विभाग हमेशा से प्रयासरत है। साथ ही अब तो विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सतत निगरानी जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऐसे किसी भी मामले पर पाबंदी लगाने के लिए विभाग ने जिला के अधिकारियों को भी उर्वरकों की बिक्री पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। हालांकि दुकानदारों की मनमानी का अहम कारण जागरूकता का अभाव भी माना जा रहा है। यही कारण है कि अब विभाग ने विभागीय स्तर पर किसानों को उर्वरकों के दाम को लेकर जागरूक करने का ऐलान किया है। साथ ही अब समय समय पर विभाग ये भी सुनिश्चित करेगी कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी नियमित रूप से छापेमारी कर रहे हैं, ताकि शिकायतों के अलावा विभाग अपने स्तर से भी दोषियों को सजा दिला सके। इस बाबत सभी जिलों में उर्वरक निगरानी समिति ने बैठक का आयोजन करवाना शुरू कर दिया है। वहीं आयोजित बैठकों में निगरानी समिति खाद की बिक्री मूल्य एवं उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही उर्वरकों की बिक्री को लेकर भी विभाग ने से पहले खास पहल की शुरुआत कर दी है, जिससे तय दाम में ही किसानों को उर्वरक मुहैया कराई जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के अलग अलग जिले से किसानों की तरफ से दुकानदारों के खिलाफ शिकायत आ रही थी, जिसके तहत किसानों को तय दाम से महंगे सामान बेचने को लेकर किसान ने चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद से ही अब विभाग ने सामने आकर किसानों की जरूरत के उर्वरकों के दाम तय करने का आदेश जारी कर दिया है, ताकि किसानों को भी आने वाले समय में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।